भूमि को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, न्याय की दिशा में पहला कदम है और वादकारी का कोर्ट दोनों का दायित्व है कि सत्य को सामने लावे। एज वादकारी मेरी ड्यूटी है कि मैं वादी हूं कि कोर्ट के सामने सच्चाई आवे, किसी रूप में आवे। और निश्चित बात है, प्रतिवादी हमेशा चाहेगा सच्चाई सामने ना आवे, और यही इस केस में हो रहा है। मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी है वो चाह रहे किसी रूप में सच्चाई सामने ना आने पावे, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, इसमें क्या बात है? आपका मकान है, हम कहते हैं आपने गलत बनाया है, तो भाई सर्वे हो जाए, नाप जोक हो जाए, देख लिया जाए। रोज रोज होता है, हर सिविल केस में होता है, तो इसमें अपोजिशन की बात क्या आ गई? पर हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको समझ में आ गया है कि अगर ये सर्वे हो गया तो जैसे अयोध्या था, काशी में ओपन हो गया सर्वे के बाद, तो ये भी ओपन हो जाएगा। और यही नहीं, हमारा काम इस समय बहुत मंदिरों पर चल रहा है, काली काशी मथुरा तक ही सीमित नहीं है। जो भी मंदिर भूतकाल में कभी तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित की गई हैं, उनको हमारी टीम ने संकल्प लिया है, ईश्वर की कसम ली है कि एक का कम वापस लेंगे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज की जो काशी श्रीकृष्ण जन्मभूमि का जो केस है, उसमें मील का पत्थर यह है कि सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी। बिना सर्वे बिल्डिंग में क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर आदि बिल्डिंग क्या है, जगह जगह पर हिंदू चिन्ह क्या क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? और यही बात मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सामने आने पावे। मौजूद का मुस्लिम पक्ष अब इस फैसले के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए कुछ करेगा? देखिए, जाएगा नहीं जाएगा मैं नहीं जानता, पर आज उन्होंने कोर्ट में कहा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए समय दिया जाए, ये कहा था, और अब मामला स्थगित कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको नहीं माना, और सुप्रीम कोर्ट आने कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूरी टीम तैयार है, हम उनको मिलेंगे, उनका स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।